शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर शहर की ओर से मोदी सरकार के दूसरे वर्ष की वचन पूर्ति के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन ज्ञानेश्वर नगर में किया गया था। लॉकडाउन के दरमियान देश में रक्त की कमी हो गई है और साथ ही मोदी सरकार के दूसरे वर्ष की वचन पूर्ति हुई है, जिसके चलते नागपुर शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की आत्मनिर्भर भारत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शनिवार को प्रभाग क्रमांक 33 में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। 12 जून से शिविर का आयोजन पूरे नागपुर शहर में किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर शहर की तरफ से पिछले एक हफ्ते से नागपुर भर में 153 के 53 वार्डों में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर भारत रक्तदान सहयोग शिविर, ये नाम के अंतर्गत ये रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कोविड की वजह से रक्त का तुटवड़ा है, लोग बाहर आकर रक्तदान नहीं कर रहे, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए युवा मोर्चा ने यह पहल की है और अब तक 71 कैंपों में 2100 से ज़्यादा ब्लड बैग हमने इकट्ठा की है और आने वाले दिनों में लगभग 31 से 40 और कैंप होंगे और उसमें हम लोग 4000 का आंकड़ा पार करेंगे, ऐसी आशा है और ऐसी मनीषा भी है। यहाँ पर दक्षिण नागपुर में आज कैंप हो रहे हैं, अमर धर्मारे है, मोहित भिवणकर है, केतन साठण है, ये इनकी पूरी टीम है, वैभव चौधरी के नेतृत्व में काम हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग भी सामने आकर सहयोग कर रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर नगर में रक्तदान शिविर में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। जहां कोरोना की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, वहीं देश में रक्त की कमी होने की वजह से लोग इस शिविर को अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। नगर सेवक भारती बूंदे, वंदना भगत, वैभव चौधरी, भारतीय युवा मोर्चा पार्टी के उपाध्यक्ष अमर धर्मारे, केतन साठव ने, नितिन कठाने, इन्होंने शिविर को सफल बनाया। नागपुर ही नहीं, पूरे भारत देश की जनता ने सही अर्थों में कोरोना को हरा दिया। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ इतने बड़े पैमाने में रक्तदान हो रहा है और लोग दौड़ दौड़ के खुशी से रक्तदान करने आ रहे हैं। पिछले 8 दिन से 13 तारीख से अभियान चालू है, जो अभी तक का पास्ट का भी अनुभव है, जो जहाँ तक कल तक भी रक्तदान के शिविर हुए हैं, ऐसे हाउसफुल गर्दी सभी तरफ थी, यहाँ पर भी बहुत हाउसफुल गर्दी है। लोग बहुत उत्साह से आ रहे, इसका मतलब 100% हम अभिमान से बता सकते हैं कि हम लोगों ने कोरोना को हरा दिया, ये खुशी की बात है। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस है और हमें उम्मीद है कि बहुत तादाद में लोग रक्तदान करने आएंगे, जो उनका फ्लो अभी भी चालू ही है। और आप लोगों से निवेदन है, आप भी ये अगर अभियान जो है इसको भी आप प्रमोट कीजिए है और आपका BCN जो चैनल है अपने दक्षिण नागपुर में या नागपुर शहर में बहुत जगह देखा जाता है, अगर आप लोग उनका सहयोग प्राप्त हुआ तो मुझे उम्मीद है कि इस अभियान को और तेजी और गति आएगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ स्वप्निल बुंधाड़े की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।